Today, I am going to explain exercise 15.1 of mathematics from chapter 15, Area of Quadrilaterals and Polygons. Students, I have already explained from question number 1 to 5 in previous video and video. So, I am going to start from question number 6. Question number 6 is An isosceles trapezium ABCD has parallel sides 10 cm and 18 cm. Its non parallel side 5 cm each, find its height and area. स्टूडेंट्स ये एक एसोस चापेजियम है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं ये फाइव फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ टेन सेंटीमीटर एंड अदर इज़ एटीन सेंटीमीटर ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट एंड एरिया ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पहले आप इस पैरलोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लो उसके बाद इस चुएंगल का आइसोसल एस का एरिया फाइंड आउट कर लो और दोनों का एरिया ऐड एड कर दोगे तो टोटल ये जो पूरा ट्रापेजियम है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ए बी एफ डी ए बी एफ डी इट मीन्स पैरलोग्राम तो पैरलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आता है बेस इंटू हाइट और बेस क्या है टेन इंटू थ्री हाइट जो है थ्री सेंटीमीटर है ठीक है और हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे जो ये एसोस ट्रापेजियम बनाए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है देखिए ये टेन सेंटीमीटर हो तो ये भी टेन सेंटीमीटर होगा और टोटल ये एट्टीन है तो ये टेन सेंटीमीटर इतना हो गया तो बचा क्या है एट सेंटीमीटर बचा जो एट सेंटीमीटर इसको ये परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये फ़ोर फोर हो जाएगा फोर फोर सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ठीक है बी सी ई केवल इतने ट्रायंगल की बात करें हमको हाइट फाइंड आउट करना है तो ये हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस है ये बेस है ये हाइट है ठीक है तो पाइथा अकॉर्डिंग टू थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ठीक है तो हाइट स्क्वायर क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर इट मीन्स हाई फोर स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इक्वल टू नाइन तो बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी ई स्क्वायर इक्वल टू नाइन बी ई इक्वल टू थ्री तो बी ई क्या है ये थ्री सेंटीमीटर है ओके बी ई की वैल्यू है थ्री सेंटीमीटर हाइट हमें पता चल गई अब जो है पैलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है पैलोग्राम एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट बेस जो है टेन सेंटीमीटर और हाइट जो है थ्री सेंटीमीटर तो क्या होगा टेन इंटू थ्री इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस तरह से पैरलोग्राम का एरिया फाइंड आउट हो गया अब देखो हमें ट्रायंगल का ये अलग से एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगल का एरिया होता है वन बाई बेस इंटू हाइट ओके वन बाई बेस क्या है एट सेंटीमीटर टोटल है और हाइट क्या है थ्री है तो वन बाई टू एट इंटू थ्री इक्वल टू टू फोर जय एट की हो जाएगा फोर थ्री जय ट्वेल्व ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ठीक है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल का एरिया है अब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पूरे ट्रैपेजियम का एरिया ओके ये थर्टी सेंटीमीटर है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम एरिया ऑफ़ ए बी सी डी इक्वल टू थर्टी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर सॉरी फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर थर्टी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे ट्रापेजियम का एरिया है ओके नौ क्वेश्चन नंबर सेवन स्टूडेंट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर सिक्स सो डू योर सेल्फ ओके कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्लास में पूछिएगा ऑनलाइन क्लास में नौ क्वेश्चन नंबर एट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज क्वेश्चन नंबर एट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर वन ऑफ इट्स पैरल साइड इज ट्वेंटी मीटर लॉन्गर दैन द अदर एंड हाइट इज टेन मीटर ठीक है फाइन इट्स टू पैरल इसमें किसी ट्रापेजियम में जो इसकी लॉन्गर साइड है जैसे हमने ट्रापेजियम ड्रॉ किया ठीक है ये है तो ए बी सी एंड टी जो इसकी टू साइड्स सा पैरल होती ये दोनों साइड्स सा पैरल होती हैं तो इसमें जो लॉन्गर साइड है वो ट्वेंटी मीटर लॉन्गर है ट्वेंटी मीटर ज़्यादा बड़ी है फर्स्ट साइड से तो सपोज़ कि अब फर्स्ट पैरेलल साइड जो है वो एक्स सेंटीमीटर है तो सेकंड जो होगी ट्वेंटी प्लस एक्स हो जाएगी और हाइट हम हाइट जो है वो टेन मीटर गिवन है एरिया फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू वन बाई टू सम पैरेलल साइड्स इंटू हाइट तो वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया जो फोर हंड्रेड हो गया इक्वल टू वन बाई टू ये जो है एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस एक्स एक्स जो है ऊपर वाली साइड हो गई ट्वेंटी प्लस एक्स जो बिगर है या लॉन्गर है वो ट्वेंटी प्लस एक्स है तो ठीक है अब इंटू हाइट जो है टेन मीटर है एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एक्स इक्वल टू थर्टी मीटर ओके एक्स की वैल्यू थर्टी मीटर हो गई इट मीन्स फर्स्ट फर्स्ट पैरल साइड इक्वल टू थर्टी मीटर एंड सेकेंड वन इज़ थर्टी प्लस ट्वेंटी इक्वल टू फिफ्टी मीटर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड्स ऑफ द ट्रापेजियम्स एरिया इज फोर फोर्टी सेंटीमीटर स्कोर द पैरल साइड्स मेजर्स थर्टी सेंटीमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर यहाँ पे एक ट्रापेजियम दिया हुआ है इसके टू पैरल जो बोथ पैरल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट दी हुई है फोर्टीन सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर ठीक है और एरिया गिवेन है आपको हाइट फाइंड आउट करना है सेम फार्मूला अप्लाइंग सेम फार्मूला ओके एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ओके एरिया का वैल्यू जो है फोर फोर्टी वन बाई टू सम ऑफ समू पैरल फोर्टीन प्लस थर्टी इंटू हाइट ओके नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एच इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इट मीन्स हाइट इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम ई सी बी इज अ ट्रंगल ई सी बी इज अ ट्रंगल एंड ए बी ए सी डी ए सी डी इज अज अ पैलोग्राम एरिया ऑफ ट्रंगल बी सी ईंग इस ट्रैंगल का एरिया गिवन है वन एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ई बी फाइव सेंटीमीटर ई बी फाइव सेंटीमीटर सी डी ट्वेंटी फाइव सी डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ़ाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए सी डी इस पूरे ट्रापेजियम का एरिया फ़ाइंड आउट करना है ट्रिंगल का एरिया गिवन है वन एट्टी सेंटीमीटर ट्रिंगल जो है अगर हम ट्रिएंगल की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हाइट जो होगी वो पैलोग्राम की भी होगी तो एरिया जो होगा एरिया इक्वल टू वन बाई टू बी एच बेस इंटू हाइट तो एरिया की वैल्यू क्या है वन एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर वन बाई टू बेस जो है फाइव सेंटीमीटर हाइट जो है फ़ाइंड आउट करना है तो हाइट हम फाइंड आउट कर लिए हाइट की क्वाल हाइट की वैल्यू हो जाएगी एच इक्वल टू सेवेंटी टू सेंटीमीटर ओके नाउ एरिया पैलोग्राम बेस इनटू हाइट ट्वेंटी फाइव बेस है और हाइट जो है सेवेंटी टू है ओके okay, कैलकुलेट करने के बाद एटीन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर पैलोग्राम का एरिया आ गया अब पैलोग्राम का एरिया आ गया एटीन हंड्रेड ट्रि का एरिया वन एट्टी सेंटीमीटर है है तो दोनों को ऐड करने पर पूरे ट्रेपीजियम का एरिया पता चल जाएगा ठीक है वन 180 एट्टी प्लस एट्टीन हंड्रेड इक्वल टू नाइनटीन हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ओके ओके क्लास अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ऑनलाइन क्लास में फिर से पूछिए ओके थैंक यू क्लास